हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जो कि अभी जेटी भीम से हो गया, मिस्टर भीम आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक लेटेस्ट ऑनलाइन फ्रॉड जो केस है उसके बारे में, जो मुझे लगता है शायद आपको भी हेल्प करेगा अगर आप एक पैट लवर हैं और अपने घर में पैट लाने का सोच रहे हैं। तो केस ये, अभी कुछ दिन पहले दीपंकर भाई का फोन आया, दीपंकर भाई पैरेंट दीपंकर, और बताया कि उनको किसी ने हरियाणा से लीगल नोटिस भेजा है और ब्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने ऑनलाइन उनसे 16,000 समथिंग कुछ पेमेंट लिया है और एक ग्रीन पैरेंट देने का प्रॉमिस किया था। तो ना तो ग्रीन पैरेंट भेजा गया है और ना ही पैसा रिफंड हो रहा है और ना ही मोबाइल पिक हो रहा है। तो दादा, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपके पास टाइम है तो आप पर्सनली इस केस को हैंडल करें, क्योंकि मेरे पास तो आपको पता ही है कि टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। तो बिल्कुल वो बिजी है, मैं जैसे लास्ट मंथ उनके पास मिलने गया था तो मैंने खुद देखा कि उनके फार्म का काम लगा पड़ा है, तो वहाँ भी टाइम देना होता है और फैमिली बिजनेस जो है उसमें भी वो पूरा पूरा इन्वॉल्व है, क्योंकि उनके पापा जो है उनकी तबीयत अभी थोड़ा कुछ खराब सी चल रही थी, तो बिजी है भाई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मैं हैंडल कर लूँगा। अगर आपके बिहाफ में कहीं जाना आना भी पड़ेगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, क्योंकि जब हम हैं तो फिर क्या गम है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस तरीके का एक दो केस जो है कंज्यूमर कोर्ट वाले, वो मैंने खुद भी हैंडल किए हैं। और मेरा एक फ्रेंड है जो कि अपने अंकल के साथ एक लॉ फर्म, मतलब काफ़ी रेपुटेटेड लॉ फर्म है जो चलाते हैं यहाँ पर आगरा में, वेल नोन है, मतलब बहुत पॉपुलर हैं, बड़े जो आपके हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वो ये लोग हैंडल करते हैं, मतलब अदर स्टेट से, अदर जो सिटीज़ होती हैं वहाँ से भी आते हैं केसेस इनके पास। तो हो जाएगा मैनेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो केस ले लिया अपने हाथ में अब हमने, ठीक है। तो फिर सबसे पहले मैं गया अपने फ्रेंड के पास, ठीक है, उनके लॉ फर्म में, और उनकी टीम के साथ ये केस डिस्कस की। पहले तो मुझे बड़ा शर्म आ रही थी इस तरीके का केस उन लोगों के सामने डिस्कस करने में, क्योंकि छोटा सा केस है 15-16 हज़ार रुपये का, और जिसमें कोई मतलब भी नहीं बनता है, बेसर पैर का सीन है, मतलब दीपांकर का कोई रोल ही नहीं है ना इधर। तो फिर भी मैंने सोचा, फिर भी मैंने सोचा कि डिस्कस करते, क्योंकि दीपांकर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो ढंग से निभाएंगे। तो टीम ने जब वो पूरा का पूरा केस सुना, देखा, उन्होंने कहा दीपांकर के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन का केस बनता ही नहीं है, क्योंकि दीपांकर इसमें डायरेक्टली कहीं भी इन्वॉल्व है ही नहीं है, ना तो वो नंबर इनका है जो लीगल नोटिस में मेंशन किया गया जिस पे बात हुई थी, ठीक है जी, ना पेमेंट इनके अकाउंट में आया, ना पेमेंट इन्होंने रिसीव किया। दूसरा, जो ग्रीन पैरेट की बात हो रही है वो इंडिया में इलीगल है भाई, वो ग्रीन पैरेट इंडिया में इलीगल है, वो आप नहीं ऐसा पैट पाल सकते हैं, पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर जिसको वो खरीदने की इन्होंने बात वहाँ पर मेंशन की है। और दूसरा मैं बता दूँ, ग्रीन पैरेट अगर लोकल कहीं शॉप पे अगर कोई सेल भी कर रहा है, ठीक है, इलीगली, तो 500-1000 रुपये की रेंज में बड़े आराम से आ जाता है, पेयर आ जाता है, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने 16,000 समथिंग पे कर दिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये नए नए हॉबिस्ट हैं जिनको रेट के बारे में आइडिया नहीं है, तो हो सकता है किसी ने इनके साथ इस तरीके से फ्रॉड या चीट कर दिया, और इन्होंने भी दीपांकर समझ के भरोसा कर लिया होगा सामने वाले के ऊपर और पेमेंट कर दिया होगा। तो कुछ गलतियां हुई हैं, ठीक है, अभी क्या गलतियां हुई हैं और कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्यूचर में ऐसा ना हो, तो अभी बताते हैं, डिस्कस करते हैं। तो लीगैलिटी चेक होगा, टीम ने कहा कि अगर इनकेस कोई लीगल एक्शन होता भी है तो हम तैयार हैं, ठीक है, देख लेंगे। फिर मैंने स्टार्ट किया वो जो नंबर था उसके बारे में पता लगाना, जिसके ऊपर पेमेंट हुआ है, जिससे बातचीत वगैरह हुई थी, कि नंबर है किसका, एक्चुअली पेमेंट हुआ कहाँ है। तो कुछ एक मेरे जो नोन सोर्सेस हैं, मैंने उन लोगों को वो नंबर शेयर किया कि इसके बारे में ज़रा डिटेल वगैरह पता लगा कि बताया जाए। तो विद इन 1 आवर सारी की सारी डिटेल निकल कर आ गई, ठीक है, कि स्कैमर का नाम क्या है, कहाँ के हैं वो, मैं बता देता हूँ आपको, नाम उनका सिमरन है, ठीक है जी, झांसी जिले को बिलोंग करते हैं, यूपी के हैं, और हमारे जो हरियाणा वाले भाई साहब, उनको लग रहा था पेमेंट वेस्ट बंगाल में हुआ है, दीपांकर का नंबर है, वगैरह वगैरह। तो सारी की सारी डिटेल मेरे पास आ गई, कौन सा मोबाइल यूज़ किया गया है, ठीक है ना, कहाँ रहते हैं, फुल एड्रेस वगैरह, तो जो कि मैंने हरियाणा वाले भाई साहब जो है उनके साथ भी शेयर कर दिया और बता दिया कि भाई आपको अगर कंप्लेंट करनी तो इनके अगेंस्ट करनी है, ठीक है, तब आपका केस सही माना जाएगा, क्योंकि पेमेंट इनके पास गया, इनके अगेंस्ट की कंप्लेंट करिए तो आपको जस्टिस मिलेगा, दीपांकर के अगेंस्ट करेंगे केस ही आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम पहली हियरिंग में वहाँ पे जाके जब ये बात क्लियर कर देंगे तो फिर आगे केस चलना बनता ही नहीं है। नहीं तो ऐसे तो हर कोई आके कहने लग जाएगा हमने आपको पेमेंट किया, हमने आपको पेमेंट किया। मुझे ही कुछ दिन पहले एक ऐसे अमेजोन से फ़ोन आया कि हेलो, आपने ऐसे ऐसे करके प्राइस जीता है, तो आप एक काम करिए, एप्लीकेशन पर आइए, लॉगिन करिए, जो स्टेप्स हम आपको बताते जाएंगे वो फॉलो करिएगा और आपको वो प्राइस मिलेगा। तो उनकी बात को फॉलो करने से पहले मैंने क्या किया, अमेजोन के कस्टमर केयर पर फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके मेरे को आपकी टीम की तरफ से फ़ोन आया। तो अमेजोन वालों ने कहा भाई हम कभी भी इस तरीके के फ़ोन कॉल नहीं करते हैं, अगर आपने कोई प्राइस वगैरह कुछ जीता भी होता तो हम आप मेल के थ्रू इंटीमेट करते हैं। तो सीधी सी बात है, सामने वाले की बातों में नहीं आना है भाई, ऐसे ही फ़ोन आते रहते हैं तो आपका KVC में लॉटरी लग गया, आप इतने पैसे जीत गए हैं, और ये अगर आपको चाहिए तो अपना आधार कार्ड वगैरह सब, ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आ जाना है,
ठीक है ना, आए दिन न्यूज़पेपर वगैरह में भी हम लोग देखते हैं कि कितनी सारी न्यूज़ आती रहती है इस तरीके के स्कैम्स वगैरह की, कि किसी ने कुरियर बॉय को ना 5 रुपये सेंड किए और फिर उसके अकाउंट से इतना अमाउंट निकल गया वगैरह। नए नए तरीके के स्कैम्स चल रहे हैं। कई लोग फेसबुक वगैरह पे भी शेयर करते हैं कि अगर कोई मेरी आईडी से आपसे पैसे वगैरह मांगता है तो प्लीज़ ना सेंड करें क्योंकि मेरी आईडी हैक हो गई है वगैरह वगैरह। तो हो सकता है हमारे जो हरियाणा वाले भाई साहब हैं या कई सारे जो नए लोग होते हैं नहीं होते हैं अवेयर और इस तरीके के स्कैम में फंस जाते हैं। तो अभी हम लोगों की जो टीम है वो उस स्कैमर के अगेंस्ट भी एक्शन लेगी और बाकी हरियाणा वाले भाई साहब जो भी एक्शन लेंगे वो जाने। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस तरीके के जो फ्रॉड है स्कैम है वो हमारे साथ ना हो, क्योंकि समझदार लोगों ने कहा है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप सोचें कि हमारे साथ स्कैम हो जाएगा तो हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, टाइम वेस्ट करोगे, पैसा वेस्ट करेंगे हम उसमें, तो बेटर है कि कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो बरते हैं। तो नंबर वन प्रिकॉशन जो मैं समझता हूँ हमें फॉलो करना चाहिए जब कभी भी हम अननोन पर्सन के साथ डील कर रहे हो ऑनलाइन, आपने अपने पोस्ट देखा, आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, पैट पसंद आ रहा है, ठीक है जी, सामने वाले से बात किया आपने, डील बहुत अच्छी लग रही है, पेमेंट तुरंत मत करिए, कभी भी पेमेंट तुरंत मत करिए, ऑनलाइन मत करिए, वो तो आपके ऊपर प्रेशर डालेगा कि आप अपनी इतना टोकन मनी देकर डील ब्लॉक कर लो, बट कभी नहीं देना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। हमें पर्सनली वहाँ जाके चेक करना चाहिए क्वालिटी को, पर्सनली मिलिए, क्वालिटी चेक करिए, आप बिल्कुल जब सेटिस्फाई हों तभी आप पेमेंट करिए और अपना प्रोडक्ट या पैट पिक करिए। तो हैंड टू हैंड इस तरीके के जो काम होते हैं उसमें मतलब काफ़ी सेटिस्फैक्शन होता है और फ्रॉड के चांसेस ख़त्म ही हो गए, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है डिस्टेंस ज़्यादा है और हम केपेबल नहीं होते इतनी दूर जाके चेक करने के लिए, तो आप कोई बंदा ढूंढिए अपने जान पहचान में जो ये काम आपके बिहाफ में कर दे, भाई खर्चे आप उठा लीजिए, उसके आने जाने वगैरह जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप बेयर कर लीजिए, तो ऐसे करके भी ये काम किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका प्राइसेस को लेकर हमें अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो ऑनलाइन पोस्ट इस तरीके के देखते हैं उसमें क्या होता है क्वालिटी बहुत बढ़िया दिखाते हैं और प्राइस बहुत 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 कम होता है। जैसे कुछ लोग क्लेम करते हैं कि मकाऊ का जो बच्चा है वो हम 30,000 में दे रहे हैं, भाई मकाऊ का बच्चा 1 लाख से ऊपर का मिलेगा कम से कम, वो 30,000 में कैसे दे रहा है, तो प्राइस में इतना ज्यादा गैप आ रहा है। तो जब इतना बड़ा गैप आ रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं कोई झोल है, कुछ गड़बड़ है, तो यही हम लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई इतना डिफरेंस कैसे है। तो जो ऐसी डील होती है वहाँ हमारे को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा लालच हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है, जो प्रिकॉशंस हमें बरतने चाहिए वो हम नहीं बरतते हैं, सामने वाला इतना प्रेशर आपके ऊपर डालता है कि टोकन मनी दो, तो जैसे ही आपने टोकन मनी ट्रांसफर किया आप फंस गए, फिर वो आपसे एक और इंस्टॉलमेंट मांगेगा, एक और इंस्टॉलमेंट मांगेगा, प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि होगा तो मिलेगा ना, वो वीडियो भी पता नहीं कहाँ से उठाया है, पिक्चर किस तरीके से एडिट वगैरह करके वहाँ डाली गई है, आप फंस गए, आपके साथ हो गया स्कैम। तो अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो किसी की बातों में ऐसे ही आके या ऐसे ही फर्जी पोस्ट देखकर नहीं हम लोगों को ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए और हो सके तो फिर जिस किसी के भी साथ आप ये डील कर रहे हैं खासतौर पे जो नोन लोग हैं जिनके नाम पे इस तरीके के स्कैम चल रहे हैं, जैसे दीपांकर के नाम पे स्कैम चल रहे हैं, तो हमें उस फ़ोन पे वीडियो कॉल कर लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि भाई सामने वाला बंदा वही है जिसके नाम पर ये काम हो रहा है, भाई दीपांकर से अगर लिया जा रहा है तो फ़ोन करके देख लो, दीपांकर खुद कहते हैं अपने वीडियो में कि भाई आप मेरे को वीडियो कॉल लगाओ फिर, तो देखो ना मैं ही हूँ कि नहीं हूँ, अगर मैं ही हूँ तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस थे जो मैंने इस केस को एनालिसिस करते समय महसूस किया, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, और अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं ऑनलाइन स्कैम से रिलेटेड तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, सो दैट कि बाकी जो लोग हैं वो लोग भी अवेयर हो पाएँ, उन लोगों को भी मैसेज पहुँचे इस तरीके का और वो बच पाएँ, नहीं तो फिर स्कैमर तो स्कैम करते रहेंगे, उनका तो काम ही है ना सुबह से लेकर शाम तक 100 से ज़्यादा लोगों को कॉन्टैक्ट करना, कोई एक भी फंस गया तो मज़े ही आ गया उनका। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और होपफुली आने वाले वीडियो जो हैं वो काफ़ी मज़ेदार होंगे। के बाय बाय, थैंक यू।